तो भैया जो अपने उस रोज जो चने टेस्ट करने के लिए बोए थे, आज उनको अपन देखेंगे क्या? हाँ, उस दिन जो अपन ने जो चना बीज का उगने की जांच करने के लिए डालिया था नहीं, हाँ वो अपने देखना तो 5 से 6 दिन में था, लेकिन आज ये चनो 10 से 12 दिन को हो गया है करीब करीब, है नहीं तो हाँ लगभग अपन ने 50 दाना डालिया था इसमें, हाँ तो 50 में से 48 दाना इसमें निकले आया है, निकले है। तो अपनो बीज अच्छो है, बोने का काबिल बीज है कि मतलब अच्छा, अपन, मतलब हाँ कि अपन क्या बीज के बोई सकता है, बोल सकता है तो अपने एक विश्वास है कि हाँ हमारा जो बीज था वो अच्छा है और बोने के लिए काबिल है, काबिल तो है। मैं गिन सकता है यहाँ से, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 तो भैया अपने 48 दाना निकला है नहीं भैया? अगर अपना ये अपन ने 50 दाना डाल दिया था ना, और 50 दाना में से अपना ये 48 निकले हैं, हाँ और अगर अपना 50 में से 40 या 45 निकलता तो भी ठीक तो भी है, ठीक था, लेकिन 25 30 दाना निकलता तो फिर ठीक नहीं होता, फिर अपने 5 किलो बीज की मात्रा बढ़ानी पड़ती, बढ़ाने पड़ते हैं, मतलब जहाँ अपन 25 किलो बोए तो वहाँ 30 किलो, और जहाँ 20 किलो बोए वहाँ 25 किलो, 25 किलो है ना। लेकिन अभी अपना बीज सही है, अपन बो ही सकता बोल है, सकता, बीज कम नहीं कर सकता, मतलब बीज पूरा कम किया नहीं कर जाए सकता, जितना तो बीज अपने बोना का उतना ही बीज बोना। बोना। अब इससे अपना फायदा होगी, अपना बीज अच्छा है हाँ और जो अपन जमीन में बोएगा वो पक्का में निकले देसी, निकल है जाएगा, नहीं डब, अपने दूसरी बचत यह होगी अपना। जाएगा। एक जगह और जो अपन टाट मचाना का बीज अंकुरण जांच करने के लिए रखा था, उनका भी देखा गया आज, हाँ वो रखा है, देख लेते हैं, निकालो। है ना। हाँ निकालो हमारा, तो भैया खोले से, हाँ खोलो, 50 दाना डालिया था नहीं अपन नंदिन। हाँ सॉरी 50 डाल रहा था ना, देखो सॉरी आपने खोला। एक हाँ है ना, दो ये डाले वाले, 43 42 43 44 45 45 46 47 दाना निकले अपना है। 47 दाना है ना भैया, यानी कि 3 दाना का पूरा 50 निकले ना। पूरा 3 दाना में कम 50 में, तो अच्छो मतलब अच्छो उगने की क्षमता अपनी अच्छी है, तो अपना पता लग गया कि अपना जो घर में बीज रखे थो हाँ वो बीज बोने के लिए अच्छो है। अच्छा, मतलब बोना चाहिए मतलब। तो भैया बीज अंकुरण क्षमता जांच करने से कहीं लाभ है? बीज अंकुरण क्षमता से अपने जांच करने से वो पता लग जाएगा कि अपना जो घर को बीज है या बाजार से बीज लाया वो के उगने की क्षमता कहीं है, अगर अपने क्षमता पता लग गया तो उससे फायदा ये है कि अपना जो बीज बोने वाला है वो सही है कि गलत है, गलत है और मतलब। अगर अपन ने नहीं जबकि जांच करी तो अपना ये नुकसान हो जाएगा कि अपन ने बीज तो बोई दियो हाँ लेकिन अपना खेत में उग गया ही नहीं, हो गया जहाँ, तो फिर अपन जो बीज लाया उसका भी पैसा जाएगा हाँ और और अपने बोने की मेहनत भी जाएगा, और वापस 15 10 15 दिन बोनी लेट होएगा, बोने लटे बीज क्षमता, बीज के अंकुरण बीज क्षमता की का अंकुरण क्षमता जांच कर लेंगे तो अपने पता लग पता जाएगा लग अपना जाएगा। बीज कैसा है। हाँ तो भैया किसानों को संदेश देना चाहोगे? किसान का संतोष ये है कि जो भी बीज खरीदे या घर को बीज रहे उन्हें हाँ बीज की अंकुरण क्षमता जांच कर ले, हाँ जिससे उससे होने वाली हानि से किसान आराम से बच बच सकता है और सकता है, डबल बोनी से भी बच बच सकता सकता है। है। धन्यवाद भैया जो तुमने अब तक अच्छे हमको जानकारी दी बीज अंकुरण क्षमता के बारे में, के लिए धन्यवाद। हाँ तुम्हारे भी धन्यवाद, धन्यवाद भैया जो धन्यवाद तुमने अच्छी आपका, जानकारी हमको बताई, के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। चना उगना की जांच करने के लिए सामान चाहिए, 50 दाना चना का, जमीन या टाट को टुकड़ो, पानी जत्रो लगे उतरो।